तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम चार्ज का मतलब हो गया इट इज द एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू प्रेजेंट कॉन्फिगरेशन विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो कोई भी अगर सिस्टम ऑफ चार्ज होगा, जैसे मैंने बोला ये आपका कोई यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, किस तरह से आपका कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने बना लिया है ना, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में सपोज इसकी साइड लेंथ आर है और थ्री चार्जेस हैं इसमें, एक कोई क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, ये भी कोई क्यू चार्ज है। आपसे पूछा जाएगा कि इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम है। तो डेफिनेशन वाइज हम जाएंगे कि क्या होता है एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू प्रेजेंट कॉन्फिगरेशन विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम ऐसा मान लेंगे कि अभी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई चार्ज नहीं और ये जो सारे चार्ज हैं वो इनफाइनाइट पे हैं, ये तीनों चार्ज जो हैं वो कहाँ पे हैं, बेसिकली आपके इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट से इसको यहाँ तक लाने में जो वर्क होगा वही सिस्टम में कैसे स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले फर्स्ट चार्ज आता है, जब फर्स्ट वही चीज पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, किस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो जब फर्स्ट चार्ज यहाँ पे आएगा तो कोई अपोज करने वाला तो है ही नहीं ना, है ना, कि जैसे हम फर्स्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो कोई अपोज करने वाला है ही नहीं, तो वर्क नहीं होगा, मतलब वर्क डन जीरो हो जाएगा। लेकिन जब सेकंड चार्ज यहाँ पे आएगा, फर्स्ट चार्ज को शिफ्ट करेंगे तो कोई वर्क नहीं, जब सेकंड को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो ये क्यू अपोज करेगा इसे, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर होगी और वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कल आपने पढ़ा था के क्यू स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, इतनी तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी दोनों के बीच में के क्यू वन क्यू टू बाई आर। ऐसे फिर थर्ड चार्ज भी आएगा, जब थर्ड चार्ज आएगा तो इसको दोनों चार्ज अपोज करेंगे तो इसका जो इंट्रैक्शन होगा इससे भी होगा इससे भी होगा, तो प्लस आपका एक और आ गया टू के क्यू स्क्वायर। आप ध्यान रखना कि इनफाइनाइट पे ले गया सबको और इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क होगा वो सिस्टम में कैसे स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। एक सिंगल चार्ज आप लेके आए कोई वर्क नहीं, दूसरा चार्ज लेके आए इसने अपोज किया तो वर्क किया इतना आ गया, जब थर्ड चार्ज लेके आएंगे तो दोनों अपोज करेंगे तो दोनों की एनर्जी होगी है ना। तो इससे आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाली, सिस्टम को बनाने में इतना वर्क हुआ होगा थ्री के क्यू स्क्वायर बाई आर और वो सिस्टम में कैसे स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। एक तो तरीका इसका ये है, इसका एक दूसरा मेथड भी होता है ना, कि हम क्या करते हैं वी जस्ट एड ऑल इंट्रैक्शन एनर्जीज और इंट्रैक्शन एनर्जी, कि भाई ऐसा नहीं करके इनफाइनाइट से नहीं लाके यहीं पे हम बना लेते हैं इसे, कि भाई ये इस तरह से आपका कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना और इसके सारे अपेक्स पे चार्ज हैं तो जस्ट हम इंट्रैक्शन एनर्जी ऐड कर देते हैं। आपको पता ये क्यू इस क्यू से इंट्रैक्ट करेगा तो उसकी इंट्रैक्शन एनर्जी आपकी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई आर, ये क्यू इस क्यू से इंट्रैक्ट करेगा तो उसकी भी कितनी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई आर और ये दोनों क्यू भी आपस में इंट्रैक्ट करेंगे तो ये भी के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो अल्टीमेटली इससे आपका आ गया यू की वैल्यू थ्री के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो या तो एक एक करके लेके आओ या उसी पोजिशन में रख लो और नंबर ऑफ पॉसिबल इंट्रैक्शन देख लो और सबको ऐड कर दो। इंट्रैक्शन मतलब वही पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्यू और क्यू के बीच की पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी इतनी हो गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई, तो टोटल थ्री के क्यू स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो बात मतलब ये मेथड ज्यादा सिंपल होता है, ये जो मेथड होगा ये ज्यादा सिंपल होता है ना। तो अब एक्चुअली ना कुछ डिफरेंट चीजें हमने पढ़ ली हैं, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़ लिया है ना। तो अब मैं इसमें डिफरेंस बताता हूँ कि क्या होता है कि तीनों चीजों में, तो एक एग्जाम्पल से इन तीनों चीजों को हम थोड़ा सा सही करते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज आपका कोई स्क्वायर है, इधर इज ए स्क्वायर और इसके सारे एजेस पे चार्ज रखे हुए हैं, ये चार्ज सपोज आप माइनस क्यू ले लो, ये भी चार्ज आप ले लेते हैं माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये आपका प्लस क्यू चार्ज और साइड लेंथ इस स्क्वायर की मैं ले लेता हूँ ए, हाँ साइड लेंथ ले लेता हूँ बेसिकली आपका ए। तो एक तो चीज आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, पहला जो क्वेश्चन इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा,
संबंध बनाए। जीरो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ी होगा, वो तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर तो निकालना पड़ेगा आपको, था एस क्यू की वजह से जो फील्ड होगी, सबसे पहले डायरेक्शन जीरो नहीं बोलना, तो एस क्यू की वजह से अवे माइनस क्यू के टूवर्ड्स, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, यहाँ पे टू ई हो जाएगा। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस, ऐसे इसको दोनों को भी ऐड करेंगे हम इसमें, है ना। तो एस क्यू की वजह से अवे माइनस क्यू के टूवर्ड्स, तो ए भी ऐड हो जाएगा, टू ई हो गया, वो दो सर है ना। और ई की जो मैं yes, बताओ क्या पूछ रहे हो, बोलो। मैं प्लस क्यू से अवे होता है फिर माइनस क्यू के टॉर्ड्स होता है, तो दोनों ऐड हो गए। ई इज दूट चार्जेस, और ये डिस्टेंस आपको पता है ए बाई रूट टू हो जाएगी। अगर ये साइड लेंथ ए है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए बाई रूट टू हो जाएगी। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? Yes, a by root 2 हो जाएगी, नहीं तो a by root 2 फील्ड हो जाएगी, तो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो आपका आ जाएगा kq by a by root 2 का, है ना, मतलब 2 kq by a square आ गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपको पता है 2e and 2e का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जो होगी ये आपकी हो जाएगी 2 root 2e, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगी। 2e 2e का रिजल्टेंट निकालेंगे तो 2 रूट 2 यही हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आपका ये आ गया, दिस इज इक्वल टू द 4 रूट 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, जीरो नहीं होगी वहां पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो गया, बेसिकली आपका इतना आ गया, है ना, जो कि वाई एक्सिस के अलोंग हो गया। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे हम जे कैप लगा देंगे, तो 2e 2e का रिजल्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट द सेंटर, एट सेंटर जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, हाँ, इसलिए जीरो हो जाएगा कि जितना पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतने नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। कोई ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, सिंपल ऐड होंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्योंकि सिंपल इसमें सम जो होगा वो एलजेब्रिक होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। अभी तक तो हमने सिर्फ सेंटर की बात की कि सेंटर पे फील्ड एंड पोटेंशियल कितना होगा, फील्ड से फोर्स आ जाएगा, पोटेंशियल से, पोटेंशियल है ही नहीं एक्चुअली, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी सेंटर पे अगर कोई चार्ज आता है तो। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, है ना, इस पूरे को सिस्टम को बनाने में कुछ वर्क होगा, तो वो वर्क कितना होगा, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हम वही करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालने के लिए हम हर एनर्जी को इंडिविजुअल एनर्जी की बात करेंगे। तो पहले मैं बात करूंगा इसकी, या यहां से स्टार्ट करो, पहले इसको ले लिया मैंने, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो आपकी होगी के क्यू स्क्वायर बाई ए, फिर मैंने इसको ले लिया, तो एक चार्ज पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई ए, फिर मैंने इसको ले लिया, दोनों निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई, फिर इसको ले लिया तो ये माइनस आ गया। लेकिन अभी बचा हुआ है ये डायगोनल भी तो लेना पड़ेगा आपको, डायगोनली भी तो इंटरेक्ट कर रहा है, सारे पॉसिबल इंटरेक्शन, है ना, ये आपका आ जाएगा एक, दोनों एक पॉजिटिव निगेटिव है तो माइनस आ जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस जो हो जाएगा वो रूट टू ए हो जाएगा। ऐसे आपको ये डायगोनल वाला लेना पड़ेगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू आ गया। तो आपको था ये वाली एनर्जी तो कैंसिल ही हो गई, यही बच गई, तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, है ना, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, निगेटिव हो गया, और ये आपका हो जाएगा रूट टू के क्यू स्क्वायर बाई, है ना। तो इन दोनों सब चीजों को अलग अलग मतलब समझना, जो फील्ड कैसे निकाला मैंने, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पर जीरो होगा, और फिर मैंने सिस्टम को बनाने के वर्क की बात की कि इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हर इंटरेक्शन को ऐड कर दिया, तो उससे आपका अल्टीमेटली आंसर आ गया, है ना। तो ये आपको ध्यान, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, अलग होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज एंड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होता है। सिंगल चार्ज का मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज हम यहाँ पर रख देते क्यू डैश, तो अगर आपसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता, है ना, जो कि है नहीं यहाँ पे वैसे,
अगर छह आता तो फिर पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करके उसकी निकालते। तो अब तक लास्ट क्लास तक हम एक सिंगल चार्ज की बात कर रहे थे, अब पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये तीन तरह की चीजें ही हमने डिस्कस की, एक थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दिया। सर ये √2 एक कैसे आया? इन दोनों को ऐड कर दो तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय √2 ए हो जाएगा, स्लाइस कर दो ओके सर, जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया। तो सिस्टम की पोटेंशियलॉजी होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं क्योंकि ये तो सारे पॉइंट चार्ज है, सिस्टम की एनर्जी में कंटिन्यूस चार्ज भी हो सकता है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं एक चीज बताऊंगा, उसको आप फोकस करना। इंटीग्रल लिख लो उसे, ओके यहां पे आते हैं हम, जो मैं आपको बताने वाला हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में। वैसे ये फॉर्मूला आप कैपेसिटर में पढ़ोगे, लेकिन हम एक फॉर्मूला यहाँ पे जस्ट लिख लेता हूँ, उसको यूज कर लूंगा बाद में, कैपेसिटर में उसका डेरिवेशन आ जाएगा, है ना। कैपेसिटर जब आप पढ़ोगे तो उसको डिराइव कर लेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, है ना। ये हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। तो उसकी डेफिनेशन ये होती है, दिस इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उससे जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एसोसिएटेड होगी उसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि बाद में फिर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी भी आएगी, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड लगाया मैंने यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने बोला कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश है ना, तो इसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है। ये अगर एनर्जी है यूनिफॉर्म तो इसके साथ कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होगी, और वो एनर्जी पर वॉल्यूम ही क्या होती है बेसिकली आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी को हम यू से शो करते हैं, ऐसे स्मॉल यू से ई लगा देते हैं, और ये होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, कि भाई ये जो भी वॉल्यूम है इसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी, यू पर यूनिट वॉल्यूम होता है, है ना। कि भाई इस पूरे रीजन में कुछ एनर्जी स्टोर्ड यू होगी, पोटेंशियल एनर्जी, उसको जब हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। और बाद में हम ड्राइव करके लेके आएंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, वेयर ई इज द फील्ड। कहीं पे भी अगर ई फील्ड है वहां पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगी वो इतनी होगी। मतलब अगर आपको एनर्जी निकालना है तो उसका एक ये भी तरीका है ना, एनर्जी स्टोर्ड कहीं पे भी निकालना है आपको तो उसका ये भी तरीका है कि एनर्जी डेंसिटी जो है इसको आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो,
है ना, तो इससे भी आपकी एनर्जी डेंसिटी आ सकती है। ये एनर्जी स्टोर्ड को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम से, मतलब यहां से भी हो सकता है कि U इक्वल टू जो हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन यस हां यस इनटू आपके वॉल्यूम से डिवाइड। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, अच्छा अच्छा चलो मैं करता हूँ नेटवर्क चेंज। मतलब बता दिया करो मुझे आप, है ना, वो दो नेटवर्क होते हैं ना, तो कभी कोई चलता है कभी कोई चलता है। सर अब ठीक है? हाँ जी सर अब ठीक है। अब ठीक है सर, अब ठीक है, वो मोमेंटली ब्रेक हो गई होगी। तो यहाँ पे आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम हो गया, है ना। तो अगर एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एनर्जी स्टोर्ड आ सकता है, है ना। तो इसी को हम यूज करेंगे, जैसे किसी ने आपसे बोला कि फाइंड आउट एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल, कि अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, है ना। तो इसके दो मेथड हो जाएंगे, एक तो हम बेसिक यूज करेंगे, भाई हम बोलेंगे ये कोई शेल है ना, इस तरह से हॉलो शेल है और इसके सिर्फ पेरीफेरी पे चार्ज है, यहाँ पे सिर्फ इस तरह से कहाँ पे चार्ज है, बेसिकली आपके पेरीफेरी पे, और ये चार्ज कैपिटल क्यू है और ये आर है। तो भाई जब ये सिस्टम बना होगा तो इसकी अपनी भी तो एनर्जी होगी, है ना, इसी को कई बार हम सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं कि इसकी अपनी एनर्जी कितनी है, है ना। तो इसकी सेल्फ एनर्जी आपको निकालना है कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि पहले यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, इनफाइनाइट से तो लेके आए होंगे हम इसमें, मैं बोलूंगा पहले यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, किसी स्टैंड में यहाँ पे कोई क्यू चार्ज आ चुका है स्मॉल क्यू, है ना, किसी स्टैंड में अगर क्यू चार्ज आ चुका है तो इस क्यू की वजह से फील्ड क्रिएट हो गई होगी, क्योंकि एक साथ नहीं लाएंगे बल्कि स्टेप वाइज लाएंगे धीरे धीरे। तो मैं बोलूंगा भाई टोटल चार्ज तो कैपिटल क्यू लाना है, लेकिन किसी स्टैंड में क्यू आ चुका है तो यहाँ से फील्ड इस्टेब्लिश हो गई। अब अगर फर्दर डी क्यू चार्ज आप लेके आओगे इनफाइनाइट से तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कैसे स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी, कि भाई अभी कोई चार्ज, पहले कोई चार्ज नहीं था, किसी इंस्टेंट में स्मॉल क्यू आ चुका है, फर्दर अगर डी क्यू से लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हम लिख सकते हैं डी यू, वो आपका हो जाएगा वी इंटू डी क्यू। भाई पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करके तो पोटेंशियल एनर्जी आती है, कि ऑलरेडी इसका पोटेंशियल वी था, अगर फर्दर डी क्यू चार्ज लाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो सिस्टम में स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी, और V की वैल्यू आपको पता है हम लिख सकते हैं KQ by R into DQ, है ना, क्योंकि R अगर रेडियस है, Q चार्ज है, तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल जो होगा वो KQ by R होगा, क्योंकि अंदर में तो कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, अंदर में तो कोई मतलब फील्ड ही नहीं, फील्ड नहीं है तो एनर्जी भी नहीं होगी। आपको पता है एस एस से डी क्यू और लेके आएंगे तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इसको इंटीग्रेट करके आ जाएगा, के और आर तो बाहर आ गए, जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो क्यू डी क्यू का होगा और जीरो से कैपिटल क्यू तक। तो यहां से आपका आ गया सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई टू। तो अगर कोई शेल है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इतनी होगी, इसको अगर बनाना है मुझे तो इतना वर्क मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये इसकी सेल्फ एनर्जी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई टू। तो ये तो बेसिक मेथड हो गया जो फंडामेंटली हमने डिफाइन किया था कि इनफाइनाइट से लाना है। दूसरा, इसको हम एनर्जी डेंसिटी से भी निकाल सकते हैं, वो भी आपको आना है। इसको हम किस कंसेप्ट से निकाल सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी से। एनर्जी डेंसिटी ये बोलता है कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे एनर्जी होगी, और वो एनर्जी पर वॉल्यूम जो होगा वो इसके इक्वल होगा। तो इसमें भी हम निकाल लेते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी से भी आ जाएगा। ये शेल है और इसमें आप टोटल चार्ज कैपिटल क्यू ले लो, अब आपको इनफाइनाइट से तो लाना नहीं है, तो इस शेल के ऊपर जो कैपिटल क्यू चार्ज है ऑलरेडी फील्ड क्रिएट हो चुकी होगी, ऑलरेडी ये फील्ड क्या होगी, क्रिएट हो चुकी होगी कैपिटल क्यू की वजह से। और एनर्जी डेंसिटी ये बोलता है कि जहां जहां फील्ड होगी वहां पे एनर्जी होगी। जैसे यहां पे अगर हम एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी के दो पार्ट हो जाएंगे, यू इनसाइड प्लस यू आउटसाइड। भाई अंदर में भी एनर्जी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, लेकिन अंदर में तो फील्ड ही जीरो है, तो इस केस में यू इनसाइड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
है ना, क्योंकि अंदर में तो फील्ड जीरो है इसके। अगर फील्ड जीरो होगी तो एनर्जी डेंसिटी जीरो हो जाएगी, तो एनर्जी भी नहीं रहेगी। लेकिन बाहर में तो फील्ड होगी, और बाहर में एक्चुअली में वेरिएबल फील्ड है। प्रॉब्लम ये है तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फील्ड की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो हम सीधे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि फील्ड वेरिएबल है। तो जब मैं यू आउटसाइड निकालूंगा, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये तो एनर्जी डेंसिटी होगी, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा 4πr² into dr, सही है? होप यू अंडरस्टैंड। ये 4π ये r² into dr हो जाएगा। थोड़ा ठीक से समझना आप इसे, है ना, कि भाई यहाँ पे कैसे मैंने किया वो आप थोड़ा ध्यान रखना। हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर हो जाएगा, इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4πr² into dr हो जाएगा। आपने क्या किया होगा, r डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया होगा, है ना, और स्फेरिकल एलिमेंट होगा, और उसकी विड्थ आपने कितनी ले ली होगी, dr, है ना, कि r डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया होगा, क्योंकि चूंकि फील्ड वेरिएबल है तो r डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया, फील्ड dr हो गई। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। और आपको पता है ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे इसमें, बहुत सारे शेल्स बन जाएंगे ना इसमें, और कहाँ तक होंगे, इन्फाइनाइट तक। तो इसकी लिमिट हो जाएगी फ्रॉम कैपिटल आर टू इन्फाइनाइट, है ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी लिमिट जो हो जाएगी कैपिटल आर टू क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी इन्फाइनाइट हो जाएगी। और ई की जो वैल्यू होगी वो हम पुट कर देंगे के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ इस जगह पे, है ना। तो इस चीज को यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है तो मैंने जस्ट ये किया कि अंदर में तो कोई एनर्जी है नहीं, बाहर में ही एनर्जी है, वो आपको इंटीग्रेट करना है आर से इनफाइनाइट तक। ई की वैल्यू पुट कर दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये पहला टर्म आ गया इनटू वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम आपका हो जाएगा 4πr² into dr, है ना। आपने आर डिस्टेंस पे एक dr विड्थ का ले लिया होगा, ये आप लेना जानते हो। तो इसको भी जब सॉल्व करोगे तो वही आंसर आ जाएगा k² / 2। तो आपको वैसे ये मेथड सिंपल लगता है, लेकिन जानना आपको दोनों, है ना, कि भाई इससे कैसे निकाला बेसिक से, और इस तरह एनर्जी डेंसिटी से कैसे निकाला, है ना। तो इंटीग्रेट इसलिए क्या किया क्योंकि फील्ड वेरिएबल थे। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कि सेल की जो एनर्जी होगी वो k² / 2 आ गई, है ना। तो आप लिख लो थोड़ा सा, एक्चुअली इसमें एनर्जी डेंसिटी उतना यूजफुल नहीं है, इसका अगला जो पार्ट करेंगे उसमें यूजफुल है। आप बताओ सर, फर्स्ट डेरिवेशन में पॉइंट चार्ज था कहाँ पे सर, फर्स्ट डेरिवेशन में स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज था? नहीं नहीं, वो स्मॉल क्यू भी पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट चार्ज नहीं है। ओके, आर टू इन्फिनिटी क्योंकि बाहर ही तो निकाल रहे हैं हम भाई, इसमें फील्ड जो है वो बाहर ही तो है, अंदर तो कोई फील्ड ही नहीं है ना। तो हमने बोला जीरो है, अब हम ये एनर्जी जो निकाल रहे हैं वो आउटसाइड एनर्जी निकाल रहे हैं ना। आउटसाइड की लिमिट क्या हो जाएगी, जहां फील्ड है
सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक ये फैल जाती जाएगी ना, कहाँ पे जीरो हो जाएगी इनफाइनाइट पे, तो सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट है ना, आर टू इन्फिनिटी हो जाएगा ना, अंदर में तो जीरो है, शेल के अंदर कभी कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती, जो भी एनर्जी होती है बाहर स्टोर होती है, तो इससे आपका ये आंसर आ गया है ना। और ये कोई भी पॉइंट चार्ज नहीं है, हम डी क्यू चार्ज भी पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, फर्दर डी क्यू चार्ज को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो इतना इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और ऐसे ऐसे बहुत सारे लाएंगे तो इंटीग्रेट करके आ गया। ये मेथड आसान लगता है लेकिन ये भी आपको जानना है कैसे किया हमने। सर फर्स्ट डेरिवेशन में क्यों तो कंटीन्यूअस चार्ज था ना, तो हमने v equal to kq by r कैसे लिख दिया? अरे स्फेरिकल कोई बॉडी होती जो है वो एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करती है ना। यस सर, तो एक्सटर्नल पॉइंट ले एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा तो पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला यूज होंगे ना। यस सर क्लियर है। यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, चलो ये आपने इसमें डिसाइड किया। चलो अब एक आ जाता है जिसके लिए मेन मैंने एनर्जी डेंसिटी बताया है कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, है ना, कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, चार्ज सॉलिड स्फीयर, है ना। कोई भी अगर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, है ना, तो वो थोड़ा सा टिपिकल चीज होगी। इस तरह से आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर और ये पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल चार्ज की वैल्यू क्यू है, इसकी रेडियस आर, तो इसकी कितनी एनर्जी होगी, इसको बनाने में भी कुछ वर्क हुआ होगा, वो वर्क सिस्टम में कैसे स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। अब प्रॉब्लम है कि इसके अंदर भी फील्ड होती है, ई इनसाइड की वैल्यू हो जाएगी कि कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, और ई आउटसाइड के लिए तो एज ए बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज, ये आपका हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब इसमें जब पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे ना तो अंदर में भी पोटेंशियल एनर्जी होगी और बाहर भी होगी, तो दोनों का सम आ जाएगा। तो पहले मैं यू इनसाइड निकालूंगा, तो मैं जब मैं यू इनसाइड निकालूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई इनसाइड स्क्वायर इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और इनसाइड निकाल रहे हैं तो उसकी लिमिट जो होगी वो जीरो से आर तक हो जाएगी, है ना, क्योंकि अंदर निकाल रहे हैं ना तो जीरो से आर तक। फिर मैं निकालूंगा यू आउटसाइड, है ना, कि यहीं पे मैं निकालूंगा यू आउटसाइड, तो यू आउटसाइड तो पहले जैसा ही होगा, यू आउटसाइड में तो कोई चेंज आएगा नहीं, यू आउटसाइड तो सेम ही रहता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आउटसाइड का स्क्वायर इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, है ना, तो मतलब इसके अंदर भी एनर्जी होती है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे ना इनसाइड की वैल्यू पुट करके यहाँ पे, तो ये जो यू इनसाइड आएगा ये आपका आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई टेन आर, और यू आउटसाइड तो पहले जैसा ही आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई टू आर ही आएगा, है ना, ये कितना जगह सकते आपका के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर भी एनर्जी होती है क्योंकि अंदर भी फील्ड है, वो ई इनसाइड से आएगी, इसके बाहर एनर्जी तो वैसी होगी जैसे पहले थी, तो बाहर के लिए तो सब चीजें सेम बिहेव करती, तो जो टोटल एनर्जी होगी यू इनसाइड एंड यू आउटसाइड का जो सम होगा, यू इनसाइड की वैल्यू आपने बोली है के क्यू स्क्वायर बाई टेन आर है, और यू इनसाइड की वैल्यू जो है वो आपकी है के क्यू स्क्वायर बाई आपका टू आर, तो जो टोटल एनर्जी इसकी होगी सम करके आ जाएगी, जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो मेरे ख्याल से थ्री के क्यू स्क्वायर बाई फाइव आर हो जाएगी, मतलब सिस्टम को बनाने में इतनी टोटल एनर्जी लगी होगी। ये मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी ईयर में इनसाइड खाली पूछा हुआ था, है ना, ये तो दोनों का सम टोटल होता है, है ना, टोटल एनर्जी आपकी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए मैंने एनर्जी डेंसिटी होता है, इसमें हम जस्ट ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ए स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, है ना, तो इस तरह से कर सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट।
सर सेकंड वाले जो आउट वाला केस उसमें कैपिटल आर से इनफिनिटी होगी ना लिमिट हमारी, कैपिटल आर से इनफिनिटी होगी, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि पहले जैसा ही केस है, जीरो से आर अंदर कैपिटल आर से इनफिनिटी बाहर। ठीक है, कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व बाय दिस मेथड। हाँ तो ये थोड़ा सा हमने बात की है पोटेंशियल एनर्जी और सिस्टम ऑफ चार्ज, किसी भी सिस्टम को बनाने में एनर्जी होगी है ना, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज है ना। तो ये आपका गया, तो अपनी एनर्जी भी होती है, इंट्रैक्शन भी होती है, अपनी सेल्फ एनर्जी भी होगी और वो इंट्रैक्ट भी करेगा, ये आपका गया है ना। जैसे कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप मत सॉल्व करो है ना। एज एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे कोई शेल है ना, इस तरह से क्या है, कोई शेल है, इसकी रेडियस मैंने ले लिया आर वन और इसके ऊपर चार्ज क्यू वन है ना। इससे किसी सेपरेशन पे है ना, स्मॉलर सेपरेशन पे एक आपका सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, इसके तो सिर्फ सरफेस पे है, ये तो हॉलो है, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, चार्ज इज क्यू टू एंड इसकी रेडियस आर टू है ना, और दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन स्मॉलर है। कोई आपकर आपसे पूछे है कि फाइंड आउट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सेल्फ एनर्जी, अपनी एनर्जी इसकी क्या होगी, प्लस इंट्रैक्शन एनर्जी, कि किसी चीज से वो इंट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है, इंट्रैक्शन एनर्जी। तो इसकी सेल्फ एनर्जी अभी आपने पढ़ लिया कि भाई अगर शेल है तो इसकी सेल्फ एनर्जी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो इसकी सेल्फ एनर्जी इतनी हो जाएगी 3 k q2 square by 5 r2। ये तो सीधे मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया कि सॉलिड स्फीयर की अपनी एनर्जी इतनी होती है और शेल की अपनी एनर्जी इतनी होती है, तो ये तो सेल्फ एनर्जी आ गया। प्लस अब ये दोनों आपस में इंट्रैक्ट भी तो कर रहे हैं, तो इंट्रैक्शन एनर्जी के लिए आपको पता है स्फेरिकल बॉडी कैसे बिहेव करेगी एज ए पॉइंट चार्ज, तो इसकी इंट्रैक्शन एनर्जी हो जाएगी k q1 q2 by r। ये सेल्फ एनर्जी होगी या इंडक्शन एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी सिस्टम कितनी होगी, मतलब अगर इसको मैं इनफाइनाइट पे ले जाऊं और इनफाइनाइट से यहां तक लाने में इतना वर्क होगा, इस पोजीशन तक लाने में है ना, तो ये आपका लेगा। तो ये बड़ा ध्यान रखना है इसमें, ये सेल्फ एनर्जी प्लस इंडक्शन एनर्जी, तो मैंने सीधे फॉर्मूला यूज कर लिया, आपको भी ऐसे ही करना है, सीधे जो फॉर्मूला ड्राइव किया उसको यूज कर लिया। तो सर ये सेल्फ एनर्जी ग्रेविटेशन में नहीं होती ना, ग्रेविटेशन भी होती है, ग्रेविटेशन भी होती है सेल्फ एनर्जी भाई, नॉन कंडक्टिंग की जो भी फॉर्मूले हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ग्रेविटेशन में, बस ग्रेविटेशन में कंडक्टर का कोई कंसेप्ट नहीं होता। अभी तक तो हमने नॉन कंडक्टिंग की ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये जस्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ नॉन कंडक्टर्स खत्म किया है, अभी डाइपोल पढ़ना है एंड कंडक्टर पढ़ना है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ नॉन कंडक्टिंग खत्म किया है, तो उसी के मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, एकदम सिंसियरली अटेम्प्ट करना। कई स्टूडेंट क्या होता है जब तक थ्योरी चलता है तब तक तो पढ़ते रहते हैं, जहां क्वेश्चन शुरू हुआ फिर वो सोचते हैं कि अब क्या करना है, तो क्वेश्चन से ही तो सीखना है, थ्योरी तो हर बुक में दी होती है, ऐसा थोड़ी कि मैं पहली बार इसको पढ़ा रहा हूँ। हाँ टीचर बोला मार जाते हैं वो बात अलग है ना, सब चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं,
लेकिन दी तो सब चीजें होती हैं, मेन तो न्यूमेरिकल से ही सीखते हैं जो भी आपने थ्योरी पढ़ा है, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ नॉन कंडक्टर्स का आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद, है ना। तो मैं क्वेश्चन शेयर करते रहूंगा, आप सॉल्व करके आंसर देते रहो, मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा, तो अपने आप आपको सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। तो आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चंस। Okay, you can go for this question. जो भी चीज आपने अभी तक पढ़ी है उसके बेसिस पे होंगे, नीड नॉट नेसेसरी कि आपकी, अभी मैं वन बाय वन करता हूँ, स्टार्टिंग से लेते हैं। कल हम ये सब चीजें कर रहे थे। हाँ, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हाँ, ये कर, ग्राफ तो कन्वर्ट कर ही लोगे, वैसे कन्वर्ट कर ग्राफ में। ये क्वेश्चन कर चुके थे, ये भी कर चुके थे। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। क्या इसका आंसर है? जो आंसर आ रहा है मुझसे शेयर करो। हाँ, ये थर्ड योर आंसर इज करेक्ट। हाँ सही है। भव्य योर आंसर इज करेक्ट, कार्तिकेय योर आंसर इज करेक्ट। सुहाना करेक्ट है बेटा, सब चीजें एक्स का फंक्शन है ना, तो जो फील्ड होगी वो एक्स कंपोनेंट ही खाली उसका होगा। निहाल रावत योर आंसर इज करेक्ट। जब एक्स और वाई दोनों का फंक्शन होता तो फिर एक्स और वाई कंपोनेंट की हम बात करते हैं, इसमें तो कुछ दूसरा है ही नहीं।
सही है, काफी कुछ आपके आंसर सही है सबके। सुहाना माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा, क्योंकि तो बाहर भी तो एक माइनस साइन होता है ना, कि भाई ये पोटेंशियल है, क्योंकि अब एक्स का ही फंक्शन है, तो जब हम फील्ड लिखेंगे ना, तो फील्ड इज इक्वल टू जस्ट ये लिख देंगे माइनस डी वाई डी एक्स। पार्शियल लेने की जरूरत नहीं है, जब एक्स और वाई का एक साथ होता है तब तो पार्शियल लेते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो माइनस डी वाई डी एक्स इंटू आई कैप, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही फील्ड होगा, है ना। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा डी वाई डी एक्स, एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 1000 बाई एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आ गया 3000 बाई एक्स क्यूब, और यहाँ पे आ गया 1500 बाई एक्स की पावर 4, ये आपका गया, है ना। और ये फील्ड आपको निकालना है जहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 हो, तो 1 पुट कर दो, जब 1 पुट करेंगे तो 5500 आ जाएगा, है ना, 5500 डी वाई डी एक्स आ गया, तो फील्ड की वैल्यू ये आ गई, इसके बाहर माइनस साइन भी है एक, ये तो डी वाई डी एक्स आया, इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो माइनस साइन बाहर एक और भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आपका आ जाएगा 5500 आई कैप। यूनिट आप चाहो तो वोल्ट पर मीटर लिख दो या न्यूटन बाई कूलम लिख दो, बात एक ही होता है, है ना, कि वोल्ट पर मीटर भी तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स से, या तो वोल्ट पर मीटर लिख दो या न्यूटन पर कूलम लिख दो, इसका आंसर ये आ गया, तो 5500 इज द करेक्ट आंसर, है ना, जस्ट डिफरेंशिएट करके आपने निकाल दिया, तो बाहर वाला ही माइनस साइन में पूछ लूंगा, है ना, इसी में तो आंसर थोड़ा सा गलत हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगी इसकी फील्ड की, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल कम हो रहा होगा, ये आपका ओके okay. ये भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें ये बीच वाला एक नहीं है, ये रिपीट हो गया, इसको हटा दें, देन यहाँ पे एंड हो गया, देन पोटेंशियल एट पॉइंट 1,1 क्या होगा, फिर 0,1,0 की जगह काट के क्या लिखना है? हाँ कुछ नहीं लिखना है, वो रिपीट हुआ एक्चुअली, है ये, यस सर, कुछ नहीं लिखना है, मतलब इस तरह से है, वे आप क्वाड्रेंट एक्सिस बना लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट पे 10 वोल्ट है, इस पॉइंट पे 8 वोल्ट है, इस पॉइंट पे 8 वोल्ट है, इस पॉइंट पे भी 8 वोल्ट है, इस पॉइंट पे निकालना है पी पे कितना पोटेंशियल होगा,
पोटेंशियल इन्फ्लुएंस का जो मैग्नीट्यूड होता है, कल आपने पढ़ा था, माइनस ईडी होता है ना। अगर माइनस का मतलब डिक्रीज होता है, पोटेंशियल इन्फ्लुएंस का मैग्नीट्यूड सिंपल ईडी होता है। सर पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 111 हुआ कैसे? अरे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 111 ही तो होगा यार, बॉडी डायगोनल है वो। हाँ पीयूष आपका आंसर सही है, बॉडी डायगोनल का कोऑर्डिनेट सही होता है, एक्स वाई जेड होता है ना, 1,1,1 हो जाए। यस पीयूष जी आपका आंसर सही है,
हाँ निहाल रावत आपका आंसर सही। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो क्या होता है कि कहीं पे भी अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो आप ज्यादा इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले के चक्कर में पड़ो। वेरिएबल है तब तो हम इंटीग्रेशन वगैरह साइन लगाते हैं। तो यूनिफॉर्म फील्ड में सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो माइनस डेल्टा वी बाई डी होती है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो माइनस ऑफ ई डी हो जाएगा। बस यही सोचना है आपने, और कुछ नहीं सोचना है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ ई डी है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले फील्ड निकाल लूंगा। हाँ कार्तिक सही आपका आंसर है ना, कार्तिक का आंसर सही। सबसे पहले मैं फील्ड निकालूंगा तो आप देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, तो पहले मैं फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। तो जब मैं ई एक्स लिखूंगा यहाँ पे, तो ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस डेल्टा वी बाई डी, और चेंज जो हम लेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे तो माइनस ऑफ 8 माइनस 10 हो गया बाई डी। डी तो आपका 1 ही है ना, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 2 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ऐसे वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी सेम आ जाएगा, 2 वोल्ट पर मीटर, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी फील्ड क्या होगी, सेम होगी, दैट इज 2 वोल्ट पर मीटर। मतलब टोटल फील्ड अगर आपको लिखना चाहे जाया जाएगा तो ये हम ये लिख देंगे, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप है ना, अब वोल्ट पर मीटर तीनों कंपोनेंट हो गए। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूँ ई, तो ये आपका हो जाएगा √3 वोल्ट पर मीटर, और इस 2√3 की डायरेक्शन पी की तरफ ही तो होगी रिजल्टेंट। एक्स वाई जेड का रिजल्टेंट जो होता है वो बॉडी डायगोनल के अलोंग ही तो होता है, तो ये आपकी फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और वो फील्ड का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा 2√3 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा है ना। तो ये मैंने रिजल्टेंट फील्ड निकाल ली, रिजल्टेंट फील्ड ऑरिजिन से पी की तरफ होगी और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो 2√3 वोल्ट पर मीटर होगी। अब मुझे निकालना है कि ऑरिजिन का अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो पी पे पोटेंशियल कितना होगा, तो उल्टा कर दूंगा मैं। अभी मैं पोटेंशियल से फील्ड निकाल रहा था, अब मैं फील्ड से पोटेंशियल निकालूंगा। तो अभी आपने पढ़ा डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ईडी। तो डेल्टा वी इक्वल टू अगर माइनस डी होता है तो डेल्टा वी होता है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑरिजिन 10 वोल्ट है। फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे एंड माइनस ई डी, ई की वैल्यू कितनी है 2√3, और डी कितना है, डी भी ये बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस हो जाएगी ना, ये भी √3 हो जाएगा है ना, कि अगर 1-1 साइड है तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √3 होती है ना। तो अल्टीमेटली वीपी माइनस वी 10 की जो वैल्यू आएगी वो -6 आ जाएगी। तो यहाँ से पी पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा, पी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा -6 + 10 मीन्स 4 वोल्ट आ गया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जस्ट मैंने यूनिफॉर्म फील्ड के लिए इसी चीज को यूज किया सिंपल से, कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस बाय डी से फील्ड निकाल लिया अलग अलग, और फिर फील्ड आ गया तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी अगर क्यूब है उसकी साइड लेंथ अगर 1 है तो उसकी बॉडी डायगोनल की लेंथ √3 हो जाएगी ना, ऐसे बीच वाला रिजल्टेंट जो होगा, ये वाला फेस वाला √2 होता है, बॉडी डायगोनल √3 हो जाता है अगर ये 1-1 साइड है, तो बॉडी डायगोनल √3 हो जाता है, उससे निकाल दिया। क्या कर सकते हैं सर, तो बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के आगे इजीली। तो ये ध्यान रखना कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो हम इसको यूज करते हैं, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म अगर है तो फिर हम डेल्टा वी इक्वल टू इंटीग्रेट वगैरह की बात करते हैं, -E.dr है ना, ये हम यूज करते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फील्ड में इसको क्यों यूज करोगे, सिंपल आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे,
ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, है ना, इसको ऑप्शन देना, ये आ गया, ठीक है, ये सही था, 4 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन. हाँ निपुण ग्रोवर आपका आंसर सही है. अभी प्रीवियस साइड दिखाता हूँ मैं आपको. इसमें ये चीज नहीं है, ये रिपीट हुआ है. हाँ ये थर्ड सही आंसर आपका. कार्तिकेय सही है, हर्षित पाल सही है, हर्षित पाल सही नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान दो, कार्तिकेय सही है. पीयूष झा सही है आपका आंसर. है ना, ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव से ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा है कि भाई जब भी वी एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो तो फील्ड वेक्टर जो होता है उसकी वैल्यू ये होती है, माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड के कैप, ये तो होता है फील्ड. तो जब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे फिल्म में माइनस के तो कांस्टेंट है, हर के बाहर ही आ जाएगा,
यहाँ पे 4x आ जाएगा, 4x i cap, y और z कांस्टेंट ले लेंगे तो जीरो आ जाएगा, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे 2i आ जाएगा माइनस साइन j cap हो गया, एंड z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे प्लस 2z आ जाएगा, ये फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ xyz आ गया। अब इसमें xyz की वैल्यू 1,1,1 पुट करनी है, तो फील्ड की वैल्यू होगी माइनस कांस्टेंट 4i cap माइनस 2j cap प्लस 2k cap, यहाँ k cap होगा 2z k cap, है ना, ये आपका गया आंसर। इसके बाद इस फील्ड का मैग्नीट्यूड आप निकाल लो, फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, k ऐसा लिख लोगे अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना, तो ये आपका आ जाएगा आपका आंसर, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से ये 2k√6 आ जाएगा, मीन्स बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन। जब खाली x का फंक्शन होता है फिर तो बाकी की बात नहीं करते हैं, 2k√6 आपका आंसर है, तो दिस वे वी कैन सॉल्व, फटाफट दो आंसर। हाँ ये भी कर सकते हैं, सेंटर ऑफ द कैविटी का सेंटर जो है वो O1 है, सर वो डेंसिटी के आगे कौन सा आइकन है, डेंसिटी के आगे रो है, रो लिख लो यहाँ पे, काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। छोटे स्फीयर का रेडियस आर बाय टू है ना, आर बाय टू, और बड़े का आर, बड़े का आर है, आपका आंसर रो आर एंड एप्सिलॉन नॉट तो आ ही सकता है, एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में आ जाएगा सर, एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लाना है, हाँ एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में कर दो, वैसे आपका आंसर सही है, वैसे चेक कर लो एक बार और,
एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में क्या आ रहा है आपका? ना ये आंसर सही नहीं है. हाँ लक्ष्य, योर आंसर इज करेक्ट. लक्ष्य आपका आंसर सही है. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये. इसका आंसर ये है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी रो आर स्क्वायर बाई 12 एप्सिलॉन नॉट. ये आंसर आ जाएगा इसका. देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन होता है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि व्हाट इज द फील्ड इनसाइड कैविटी, है ना, नॉन कंडक्टिंग है, है ना, क्योंकि बाद में कंडक्टर पड़ोगे तो उसके अंदर जीरो होता है. तो फील्ड इनसाइड द कैविटी का आपने एक फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवाया था आपसे. ये फील्ड आपकी होती है रो डी बाई थ्री एप्सिलॉन. इसमें डी क्या होता है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, है ना, ये आपका होता है. मतलब इसके अंदर जो फील्ड होगी ना, ये डी वैक्टर हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, डी वेक्टर हो जाएगा. तो इसके अंदर फील्ड जो होती है इसी डी वेक्टर के पैरेलल होती है और यूनिफॉर्म होती है ना. तो जो फील्ड जो होगी, फील्ड इन द कैविटी जो होती है, ये वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू डी. ये आप जानते हो कि पैरेलल टू डी वेक्टर होता है. तो डी वेक्टर हो जाएगा सेंटर के बीच का डिस्टेंस, है ना. तो अगर मैं डी वेक्टर यहाँ पर डिफाइन करना चाहूँ, मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ बाकी चीजों को, है ना, ये सिर्फ डी वेक्टर ये बच्चा है, है ना, दिस इज योर डी वेक्टर. ये तो नेसेसरी बाकी से कंफ्यूज होगा, ये आपका डी वेक्टर हो गया, है ना. तो डी वेक्टर के पैरेलल ही फील्ड होगी आपको, इसके अंदर हर जगह पे यूनिफॉर्म होगा और उसकी वैल्यू रो डी बाई थ्री एप्सिलॉन होती है. तो इस फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आप निकाल लेंगे. मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी रो डी की जगह पे आपका आ जाएगा आर बाई टू बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट. मतलब फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसके अंदर रो आर बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट, हाँ, कि फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रो आर बाई सिक्स एप्सिलॉन, और ये यूनिफॉर्म फील्ड है. तो फील्ड पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं. अभी आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है, माइनस सी डी. माइनस का मतलब डायरेक्शन होता है,
है ना, तो इसने बोला है कि भाई इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस से मुझे निकालना है ओ एन ओ वन के बीच का, तो माइनस ऑफ ई डी हो जाएगा, ई की वैल्यू हो जाएगी रो आर बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट इंटू फिर से डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी ओ एन ओ वन के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी ये भी आर बाई टू, अल्टीमेटली आपका आ गया रो आर स्क्वायर बाई ट्वेल्व एप्सिलॉन नॉट, है ना। माइनस का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव होगा, मतलब जो पोटेंशियल ऑफ ओ माइनस पोटेंशियल ऑफ ओ वन होगा उसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है, मतलब ओ वन का पोटेंशियल जो होगा वो ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा एज कम्पेयर टू द ओ के, सॉरी ये ओ वन हो जाएगा और ये ओ हो जाएगा उल्टा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो फाइनल वाला पहले आएगा, मतलब ओ का पोटेंशियल कम होगा एज कम्पेयर टू द ओ वन, तो होता ही है वोल्ट के लॉन्ग पोटेंशियल डिक्रीज होता है ना, तो इस तरह से तो ये आपका आंसर आ गया। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो यही आंसर होगा। तो देखो कुछ नॉलेज हमने पहले के क्वेश्चन से यूज किया ना, ये आपको अगर नहीं पता होता तो फिर पहले इसको ड्राइव करते आप फिर इससे इस पे आते, चूंकि आपको पता है कि कैविटी के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होता है, नॉन कंडक्टिंग जरूर लिख देना है यहाँ पे, ये जो चीज़ है नॉन कंडक्टिंग है भाई, मैंने कंडक्टर वर्ड यूज किया ही नहीं है कहीं पर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारे चाहिए नॉन कंडक्टिंग, जो भी चीज़ हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं फॉर नॉन कंडक्टिंग वर्ड है ना, तो ठीक है ना, तो सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतनी काफ़ी है ना, आज हम क्लास एंड करते हैं, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द डाइपोल और फिर और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होगी, अभी क्वेश्चंस मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं है ना, तो वो क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा आपको है ना, वो डाइपोल के बाद डाइपोल भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो आप पे एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम कंडक्टर पर आ जाएंगे, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ बोलो बेटा। आपने कुछ क्लासों पहले ना एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर हमने गलती से पहले देख लिया था, 2 एप्सिलॉन नॉट करके। हाँ। उसका आंसर मेरा 12 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, आप एक बार चेक कर लोगे प्लीज। चलो कोई नहीं, मैं जब करवाऊंगा तो, वैसे उसके आंसर 2 एप्सिलॉन नॉट है। आप नेक्स्ट क्लास मुझे याद दिला देना। यस सर श्योर। नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिला देना एक बार पहले ही क्लास के, तो मैं उसको एक बार क्लास में बता दूंगा, वो क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। यस आंसर तो वही। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।